अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में जो सवाल सबसे ज़्यादा जवाब तलब है वो ये है कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय खुद साख्ता ड्रामे, धमकियों और कशीदा सूरत हाल का फ़ायदा किसको होगा? क्यों भारत पुलवामा हमले के बाद लगाए जाने वाले इल्ज़ाम के सबूत पेश करने के बजाय जंग की बातें कर रहा है, जंग की धमकियाँ दे रहा है? क्या बीजेपी अपनी फौज को आगे कर इस सूरत हाल से दो माह बाद जो वहां पर इंतखाबात होने वाले हैं उनसे फायदा उठाना चाहती है? लेकिन क्या भारतीय इकदार इस कदर गिरी हुई हैं कि वहां इंसानियत को रौंद कर इकतदार की सीढ़ी पर चढ़ने को तरजीह दी जाती है? अमन का दुश्मन भारत खित्ते में कशीदगी की फ़जा को आखिर मजीद हवा क्यों दे रहा है, जबकि साबिक भारतीय चीफ जस्टिस अपने मुल्क की फ़ौज को ये मुतनब्बे कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? पुलवामा वाक़े के 5 दिन के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने खिताब में भारत को ये वाज़े कर दिया कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई सोच है, भारत किसी भूल में ना रहे। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को दहशतगर्दी के ऊपर बात करने की भी पेशकश की, लेकिन भारत की हठधर्मी अपनी जगह पर कायम है, जबकि पाक फौज ने भी पुलवामा हमले के बाद जारी कशीदगी पर भारत को वाज़े कर दिया है कि इस बार फौजी रद्द अमल भी मुख्तलिफ होगा। आप हमें हैरान नहीं कर सकते, हम आपको हैरान कर देंगे। उम्मीद है पाकिस्तान का पैगाम मिल गया होगा। भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे, जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं, हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पांस देने का हमें हक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हम इनिशिएट करने की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपना दफा और अपना रिस्पांस हमारा हक है और उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पॉन्स गया, इसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री रिस्पांस भी डिफरेंट होगा। सवाल यह है कि क्या भारत को इस बात का इदराक नहीं कि दो जमहूरी और जौहरी ताहरी ताकतों में जंग नहीं हुआ करती? भारत ये सब ड्रामा कर क्यों रहा है? आखिर भारत चाहता क्या है? जबकि दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जब पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के खिलाफ साजिशें और मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का दुश्मन कर रहा है, ऐसे में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं ये पार्लियामान में इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने की बजाय एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। और आज दूसरे रोज़ भी कौमी असम्बली का जो इजलास था अपोजिशन के एहतजाज की नज़र हुआ। अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें एहतसाब पर एतराज़ नहीं, एहतसाब के तरीक़ेकार पर एतराज़ है। लेकिन सवाल ये है कि 10 साल इकतदार में अपोजिशन की जमातें ही रही हैं, उनके पास मैंडेट भी था, तब उन्होंने आखिर ये तरीक़ाकार क्यों नहीं बदला? अब उन्हें क्यों ये तरीक़ाकार बुरा लगने लग गया? क्या इसकी वजह ये भी है कि उन अदवार में नैब ज़्यादा एक्टिव नहीं था, अब नैब एक्टिव हुआ है तो अपोजिशन इसे अपने खिलाफ जारी केसेस से ख़तरा इसलिए महसूस कर रही है? जबकि आम सवाल ये भी है कि अपोजिशन का एहतजाज सिर्फ पार्लियामेंट तक ही महदूद रहेगा, जबकि या फिर पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर भी आएगा, जैसे कि जरदारी साहब ये बात कर चुके हैं। जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म ने फिर से ये वाज़े कर दिया, अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचा ले केक का एहतसाब होगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद अपोजिशन के एहतजाज में मजीद शिद्दत आएगी? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे फर हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वजीर बराए इंडस्ट्री तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ असलम इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जल साहब, पुलवामा हमले के बाद से भारत धमकियों पर धमकियां दे रहा है, कोई पानी बंद करने की बात करता है तो कोई पाकिस्तान को सजा देने की बात करता है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो के सऊदी अरब और भारत का जो मुश्तरका ऐलामिया आया सऊदी शहजादे के दौरे के दौरान जिसमें पाक भारत ताल्लुकात पर बात की गई, जामे मुज़ाकरात दोबारा से शुरू करने के लिए बात की गई और कहा गया कि इसके लिए साजगार माहौल होना जरूरी है, इस कशीदा सूरत हाल में जो मुश्तरका ऐलामिया है इसमें पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बात करना ये कितनी अहम और पेशरफ्त, अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है जनरल साहब? ये
जी ये फॉर श्योर बड़ी मुस्बत बात है, चूंकि इनफैक्ट ये पाकिस्तान के स्टांस की एक ताईद है कि हम ये कह रहे हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे जामे मुज़ाकरात हों, हम अक्रॉस दी टेबल बैठ के ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इनको पॉलिटिकली सॉल्व करें, और तारीख इस बात की गवाह है कि यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स या काइनेटिक फोर्स के यूज़ के साथ ना वियतनाम का मसला हल हुआ, ना अफगानिस्तान का मसला हल हुआ, ना इराक के ऊपर आप वो जंग करके कोई बात, अभी आप अफवाज को वापस, और अभी आपने ये वेस्टर्न पावर्स जो कि हर लिहाज से सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी में भी और स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी, दो जंगें हम भी कर चुके पहले, तो मेरे नहीं भूलना चाहिए जी। और ये जो जंगी जनून है इंडिया के अंदर, ये इस तरह के पागलपन के का अगर शिकार हो गया इंडिया तो ये तबाही होगी, साउथ एशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये फैल सकता है। तो ये आई थिंक होश के नाखन लेने होंगे। यूसी फ्रस्ट्रेशन जो मोदी को है वो ये है कि जब सोवियत यूनियन का डिमाइज हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन कैंप की तरफ स्लिप हुए, 9/11 के बाद इनको और रोल मिल गया, अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने जाके ऐसी एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी और ये खुश हो गए कि पाकिस्तान को हमने एक टू फ्रंट वॉर सिनारियो में ले लिया है, ईस्ट से भी थ्रेट, वेस्ट से भी थ्रेट और मुल्क के अंदर भी प्रॉक्सी जंग। और इनकी जो एक्स चीफ्स हैं और इवन इनका जो सिटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने ये कहा था भी एक जंग की जरूरत नहीं है, अब हम इनके साथ बलूचिस्तान करेंगे, अब हम इनके साथ कराची करेंगे, अभी आई थिंक ये नेशनल जो हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये भी कोर्ट होने चाहिए थे उनके बयानात कि ये तो वो करते रहे हैं और ये कलभूषण कौन है। और आप ये देखें कि अब जब मैरान बेस पे हमला हुआ और कामरा के ऊपर हुआ और हमारे जो सब है जहाज जो कि वैक्स जहाज है कुछ $1.5 अरब का एक जहाज, उनको तो इसका बेनिफिशरी कौन था, इसका किसने, यानी क्या ये मौलवी या रेडिकल्स जो है इंतहा पसंद, इनके बस की बात है कि वो GPS लें और वो सैटेलाइट से लेके लीड और अंदर जाएं, तो ये कौन करता रहा है। और आपका तो बंदा हमारे पास है, आप कभी जैश का जिक्र करते हैं, कभी जैश मोहम्मद का जिक्र करते हैं, सबूत आपके पास कोई नहीं है। तो आई थिंक के प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो भी बड़ी जामे थी, टू द पॉइंट थी और मेजर्ड थी। और आज जो DGISPR ने कहा यह भी इंतहाई जरूरी था, क्योंकि वन साइडेड धमकियां और ये देना जो है इससे मसाइल हल नहीं होते और इंडिया को रीथिंक करना पड़ेगा। और ये जो सऊदी अरेबिया के साथ अलामिया है ये तो एक उनके मुंह पे तमाचा भी है कि ये वही स्टांस है जो पाकिस्तान का स्टांस है। सही। और हिलाली साहब, अब तो ये वाजे होना शुरू हो गया भारत और सऊदी अरब के ऐलामिये के बाद कि मोदी सिर्फ अपनी फौज को आगे करके जो 2 महीने बाद इंतखाबात होने वाले हैं सिर्फ उनसे फायदा उठाना चाहता है। जी हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं शाजिया। एक बात मैं कहूँ जो शायद लोगों को पता नहीं सोच और ख्याल उस तरफ नहीं आया है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है हिंदुस्तान के साथ, प्रॉब्लम हिंदुस्तान का ये है शाजिया कि 1947 में कश्मीरी जो लोग थे वो शेख अब्दुल्ला के साथ ज्यादातर खड़े हुए थे और शेख अब्दुल्ला नेहरू का दोस्त था, तो इंडियंस को कश्मीर रखने के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं था। मगर अब देखिए क्या हो गया है शाजिया, उस वक्त से और आज से, आज तो लोग जब मरते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते हुए वो कहते हैं हमें पाकिस्तान के झंडे में दफन करो, पाकिस्तान के झंडे में, वो टोटली मिलिट्राइज हो गए, वो कहते हैं हमारा मुल्क है पाकिस्तान। और आपने एक जज का नाम लिया, वो जज तो खुला कहता है कि वी हैव लॉस्ट कश्मीर, कश्मीर हम खो गए हैं। तो माफ करिए कि अगर आप कश्मीर खो गए हैं और मिलिटेंसी पे वो आ गए हैं, वो लोग जो कभी नहीं लड़ते थे अब वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप कश्मीर को कैसे रखेंगे। एक ही तरीका है, अगर आप जबरदस्ती रखना चाहते हैं बाय फोर्स। तो मेरा हमारे पैनलिस्ट को ये सवाल है कि अगर ये मैं पक्का हो गया है कि कश्मीर हिंदुस्तान एक ही तरीके से रख सकता है दैट इज बाय फोर्स, तो फिर यार ये हमारे से बातचीत क्या करना है। सही। और क्या हम बैठे रहेंगे जैसे वो मारते जाए इन लोगों को। सही। आप समझ गई ना, फॉर द फ्यूचर शायद बात करना ही नहीं चाहता ना।
आप मुझे बताएं, इतनी डायलॉग्स हुए कश्मीर के इशू पर तो बात करना ही नहीं चाहता। मियां असलम साहब, आपसे तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त जो हमारी असम्बलीज में हो रहा है, मौजूदा जो सूरत हाल है, भारत की धमकियाँ हैं, ये वक्त है कि एक हो कि हमें दुश्मन मुल्क को जवाब देना है। आप देखें पंजाब असम्बली में आज क्या हुआ, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तू-तू मैं बात गालम गलोच तक आ गई। कुछ एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें पता चला आपने बीच बचाव कराया तो मामला आगे बढ़ा। आपको नहीं लगता कि ये मौका नहीं है सियासत करने का, आपस में एक दूसरे पर बाजी लेकर जाने का? क्यों हमारे सियासतदानों की ये बात समझ में नहीं आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, बिल्कुल आपने बात ठीक कही है। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी इस कैमरे के तवस्से से, अपोजिशन से भी, असेंबली में भी उनके साथ बात की है कि देखिए इस वक्त जो आपका अजली दुश्मन है इंडिया, वो किस तरह से अपने जाती कोई सियासी फ़ायदे के लिए वहाँ पर जो हुक्मरान बैठे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो लाखों कुर्बानियाँ हैं और जो नुकसान हमने बर्दाश्त किया उसको भी मशक करने लगे हुए। अब यहाँ पर असम्बलियों के अंदर अपोजिशन का आप रवैया देख लें कि एक बंदा अगर किसी करप्शन में पकड़ा गया जिसमें ना इमरान खान साहब का कसूर है ना वहाँ पर बैठे हुए किसी और हकूमती मेंबर का कसूर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक बंदे के लिए पूरी कौम का, मुल्क के एजेंडे को साइड पर रख कर आप एहतजाज कर रहे हैं? क्या आप असम्बली के अंदर इकट्ठे होकर कोई रेजोल्यूशन नहीं ला सकते? बिल्कुल सही। क्या इंडिया को आप मैसेज नहीं दे सकते? सबसे पहले हमारा काम यह है कि हमने अपने मुल्क की बात, ये मुल्क होगा तो हम सब हैं। बिल्कुल सही। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने मिलकर इकट्ठे होकर असम्बली जो सारे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ भी अपने अपने सूबे की आवाज़ है, सो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर जाती फायदे मफादात उस चीज़ को साइड पर रखकर हमें बात ये करनी चाहिए कि हमें इस वक्त कौमी सोच की ज़रूरत है। इंडिया दंदनाता फिर रहा है, वो क्या से क्या करने जा रहा है, किस तरह की धमकियां दे रहा है, और आपने वजीर अजम पाकिस्तान की स्टेटमेंट जो उन्होंने दो दिन पहले कौन से खिताब के दौरान कही है, मैं समझता हूं कि वो पूरी कौम की आवाज थी और पूरी कौम ने उस तकरीर को, चाहे कोई अपोजिशन का था चाहे कोई हकूमती था, सब ने उसको अप्रिशिएट किया और वजीर अजम ने बड़ा क्लियर मौकफ लिया और उन्होंने कहा कि हम मजाकरात चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, सारा कुछ करवाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को बुरी आंख से देखा तो फिर इंशाल्लाह ताला आपने ये नहीं सोचना कि हम पहल करेंगे, फिर आप हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये भी एक मैसेज होना चाहिए। वो गैरतमंद कौमें इसी तरह जवाब दिया करती हैं। गैरतमंद कौमों के सरबराह जो हैं अपने मुल्क में अगर कोई चीज खराब भी हो तो उसे दूसरों के घरों में जाके आलमी अदालत के अंदर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान को उन्होंने अपना दलायल का हिस्सा बनाया, तो आप जरा सोच लें कि वहां पर हमें किस तरह से किसी चीज का सामना करना पड़ा है, ये जरा ज़हन में रखें। सबसे पहले मेरा मुल्क है और उसके बाद सारी चीज़। मैं जरा ब्रेक ले लूं नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त तक छोटे से वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनरल साहब। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, एक लंबी मीटिंग हुई, पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क्यादत के दरमियान भारत के तमाम दावों इल्जामात को मुस्तरद किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तावुन की, तहकीकात की, मुजाकरात की भी पेशकश की गई, लेकिन जो एक अहम बात थी
वो ये कि जिन दो तंजीमों पर पाबंदी लगी, फलाह इंसानियत फाउंडेशन और जमात दावा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, आप समझते हैं ये सब कुछ इसलिए किया गया कि भारत के साथ मुजाकरात का एक खासकर माहौल बनाया जाए, भारत को ताकि किसी भी किस्म के इल्ज़ाम तराशी का मौका ना मिल सके, खासकर जो FATF की तलवार हम पर लटक रही है और भारत जो चाहता है कि हमें ब्लैक लिस्ट में हमारा नाम डल जाए, आप समझते हैं कि उसके लिए तमाम इकदाम किए गए? जब देखिए, एक तो आपके इस क्वेश्चन से पहले मियां साहब की बात का भी थोड़ा सा मुझे अगर इजाज़त दें जी प्लीज़, जो ये हमारे तारीख इंसाफ के भाई कह रहे थे। देखिए, मसला ये है कि इनकी गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी थी, मियां असलम इकबाल साहब बड़ी ठीक पार्लियामेंट के माहौल की बात इन्होंने की कि अच्छा होना चाहिए, हर दर्दमंद पाकिस्तानी ये सोचेगा। लेकिन मैं खुद जो चूँकि पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं जाके बैठता हूँ, ट्रस्ट मी के माहौल को ख़राब करने की वजह अपोजिशन नहीं है, हुकूमत खुद है। और फिर ये जो है ना कि डर्टी लिनन बार ना धोया जाए, कौन सा मुल्क है जहाँ जाके इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन है और मैंने उसको करना है, तो चीन से पूछा आप मुझे टेक्निक बताएं कैसे करनी है, ये टेक्निकें पूछ के नहीं आती कि आप मातीर से पूछें मैं इकानमी कैसे चलाऊँ, चाइनीज से पूछें मैं करप्शन कैसे ख़त्म करूँ, ये लीडर का खुद व्यून होता है और लोग उसके पास आते हैं पूछने के लिए, मांगवे अकल पे आप आगे नहीं चल सकते। सेकंडली, ये जो बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया, तो मैं तो समझता था कि एक मुहिब्बे वतन टीम जो पाकिस्तान की वहाँ खड़ी थी वो उसको डिनाई करती, वो कहती जी आप कॉन्टेक्ट से हट के बात करते हैं, इन्होंने बगलें बजाई और इनफैक्ट एक प्रूफ फ्राम कर दिया कि वाकई वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था कि हमारे लोग शायद गए थे और बॉम्बे पर हमला किया था। इससे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट इमरान खान साहब की ऑन रिकॉर्ड है जहाँ उन्होंने कहा इंतहा पसंद ये करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया। तो मेरे ख्याल में बाहर जाके डर्टी लिनन को साफ करना जो है वो ठीक नहीं है और ये हकूमत के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। आज भी सदरन पंजाब में एक फंक्शन के अंदर इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी शुरुआत की, उसको आपको हेल्थ कार्ड देंगे ये एंड के ऊपर वो पाबंदे सलासल जो एक इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब का, उनका जिक्र दे के फिर उन्होंने अपने तौर पर जोर कर, देखिए ये कहने से नहीं है, आप करप्शन की जो स्ट्राइव है, कौन है बंदा जो करप्शन के फेवर में है? एवरी मेरे ख्याल में वो बंदा मुहिब्बे वतन है ही नहीं जो ये कहे कि किसी करप्ट बंदे को बचाए। इंसाफ करो, प्रोग्राम के अगले हिस्से में जरूर बात करेंगे, जैसा मैं चाह रही हूं को अमल करना चाहिए। एक तो ये पाक भारत कशीदगी पर जरा हम बात करें, जो शाजिया की बात, हमारा जो अगला आधा घंटा हमने करप्शन जी, अब अभी इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात हुई है, ये पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्शन प्लान है जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत काम हुआ है, अभी भी काम होगा और यही रिजॉल्व है कि वो एजेंसियां जो मुल्क के अंदर बदनामी का बायस बनती हैं या हमारे हमें आउट ऑफ डाउट भी हो कि ये लेकिन बात यह कि माजी में भी तंजीमों पर पाबंदियां लगी, लश्कर तैयबा पर बंदी लगी, उसने जमात दावा के नाम से काम करना शुरू कर दिया, जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो उसमें वाज़े तौर पर कहा था कि किसी भी तंजीम को नाम बदल कर काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अब की बार ये समझा जाए कि जो लीडरशिप है उनको मुकम्मल तौर पर काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी तंजीम जिस पर बैन लगे वो नाम बदल कर दोबारा आ जाए? जी बिल्कुल ठीक है ना, मेरे ख्याल में यही होना चाहिए और यही हकूमत की रिजॉल्व होनी चाहिए और दैट शोज कि हमारी इंटेंशन यही है कि इंतहा पसंद तंजीमों को हम आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन इस कैंसर को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। ये बिल्कुल सही हिलाली साहब, आज DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी कितना एक मौसर पैगाम गया है भारत को? देखिए बड़ा अच्छा तकरीर था, मगर जो दिल था ये तकरीर में, द हार्ट ऑफ द मैसेज ये था कि हिंदुस्तान हमारा, हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है, हर हथियार जो हमारे पास है वो हमारे डिस्पोजल पे रहेगा और टारगेट्स जो होंगे आप हैरान होंगे कि कौन से होंगे, आप हैरान होंगे कि टाइमिंग, और आप हैरान होंगे कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे अगर आपने अटैक किया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो एस्केलेशन का लैडर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक जगह बमबारी करें तो हम एक दूसरी जगह बमबारी करेंगे, ये एस्केलेशन का लैडर हमारे कंट्रोल में होगा, हम देखेंगे कि किधर हमारा कार्रवाई इफेक्टिव हो रहा है। एक बात,
दूसरी बात उन्होंने जो कही, मैं समझना चाहता था कि उनका मकसद क्या था, माने उन्होंने माने क्या था। उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं इस किस्म के अटैक, नहीं माने जो कल पार वो जो अटैक हुआ था जो 40 गुलबान, वो हम कंडेम करते हैं और ये सिर्फ हमारा दुश्मन कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि भाई आपका दुश्मन कैसे कर, आपका दुश्मन वो कैसे हुआ, वो आदमी जो पाकिस्तानी नहीं था, वो आदमी जो पाकिस्तान का जमीन नहीं इस्तेमाल किया ना पाकिस्तान से उसे मदद लिया, वो आदमी जो एक आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन उसके मुल्क से वो निकालना चाहता है, उसके खिलाफ लड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर में तो ये लिखा हुआ है कि लिबर आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ना जायज है, तो ये आदमी हमारा कैसे दुश्मन आया? हाँ, अगर वो मिलके हमारे खिलाफ कंस्पायर किया, अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये अभी तक हमें पक्का नहीं पता चला है। DGISPR ने बड़ा अच्छा बताया कि हमें क्यों नहीं चाहिए था ये ऑपरेशन, 8 वजह दिया उन्होंने कि क्यों इस वक्त ये ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए था, लिहाजा ये हमारा इंटर इसमें था ही नहीं, मगर हम तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। इसलिए हमें पता है कि जब आपका सऊदी विजिट हो रहा है, अफगान रिकंसिलिएशन हो रही है, ICJ की हियरिंग हो रही है, करतारपुर का बॉर्डर का मामला है और पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, जो भी चीजें बिल्कुल। हाँ, और खासकर उन्होंने ये वाजे किया कि भारतीय फौज जिस कश्मीरी ने हमला किया वहाँ का मकामी नौजवान था, बड़ा वाजे किया DGISPR ने। हाँ, बिल्कुल। और एक्सप्लोसिव्स भी आपके थे, yes. और इतने एक्सप्लोसिव 7 लेयर्स ऑफ फोर्सेस के थ्रू पाकिस्तान से ना गाड़ी ना एक्सप्लोसिव आ सकता था। तो भाई अगर हमने नहीं किया, ये जो आदमी किया अपने 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 मुल्क को आजाद करने के लिए, ये हमारा दुश्मन नहीं है और नहीं होना, हम ऐसे नहीं समझना चाहिए। असलम इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी मुझे रिस्पॉन्ड करने थे। अभी जन्नत साहब ने जो बात की है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा करप्शन को और मुल्की सालमियत को थोड़ा थोड़ा अलहदा रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अगर इमरान खान साहब बाहर जाके अगर किसी से ये पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स है जिससे आपने अपनी कौम को ऊपर लेकर आए हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी साइड पर जिन्होंने मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ बयान दिए, जिन्होंने कुलभूषण पे पकड़े जाने पर कुछ स्टेटमेंट नहीं दी, जिन्होंने कश्मीरियों के कत्ले आम के ऊपर उस मोदी को जिसने गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्ले आम किया है उसको अपने घर में बुला के शादियों पे बिठाते हैं, हमारा दिल भी दुखता है। हमारा हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी इस नज़र से सोचें, हम भी वही जज्बात रखते हैं। आप सिर्फ इस लिहाज से सोच रहे हैं इमरान खान ने करप्शन की बात की है तो इन्होंने करप्शन के हवाले से मेरे मुल्क का सत्यानाश भी किया है। जन्नत साहब, हम उम्र में आपसे छोटे हैं लेकिन जज्बात में किसी तरह आपसे कम नहीं है। हम नहीं चाहते मेरे बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है टीवी के ऊपर, जब एक करप्ट आदमी पकड़ा जाता है उसके ऊपर फूलों की पत्तियां किराए के बंदे लाकर फेंकी जाती हैं, तो आप ये बताना चाहते हैं कि जनाब करप्शन करो कोई मसला नहीं है, फूलों की पत्तियां फेंकी जाएंगी इसलिए कि वो पार्टी के टिकट बांटते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसे हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को मसक करके रख दिया है। आप ये हमें तालीम देना चाह रहे हैं? क्या यहां पर यह बात नहीं करनी चाहिए कि कुलभूषण के ऊपर नवाज शरीफ क्यों सोते रहे, कश्मीरियों के कत्ले आम के ऊपर आप वजीर खारजा नहीं बना सके? मैं अब जरा ब्रेक ले लूं, आपने नहीं बनाया, मैं जरा ब्रेक ले लूं, चाहिए था इसके ऊपर आप करते। आप जरा ब्रेक ले लूं, ये समझ रहे हैं अब हमारा जो अगला प्रोग्राम का हिस्सा होगा ब्रेक के बाद, वो हमने पॉइंट स्कोरिंग करने का कोई शौक नहीं है, हमने एहतसाब पर ही बात करनी। जी जल साहब, नहीं साहब पे बात करनी है, मैं मेरी सिर्फ अर्ज सुन ले। देखें, हाँ, बात यह है मियां साहब, किसी ने भी ये नहीं कहा कि करप्शन का दिफा करना चाहिए। मैंने पहले कहा कि वो मुहिब वतन ही नहीं होगा, आपका एक लीगल प्रोसेस है, उसने कंटिन्यू करना है। पॉलिटिकल लोग जब केसेस बनते हैं तो पत्तियां भी फेंकते हैं लोग और सब कुछ करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कन्विक्ट हो जाए तो वो कन्विक्ट होते हैं और वो फिर सारी दुनिया मानती है। तो आप खुदा के लिए हमें वो लेसन ना दें, आप ये अपने गरेबान में हर कोई देख के अब आगे चले। एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गए, पार्टी से हट गए, पाबंदे सलासल हो गए, अपना काम कर रहे। आप हर रोज आपके लीडर एक आध नारा लगा के तो अपनी पॉलिटिक्स ना करें। आपने खुद शुरू में ये बात की थी कि ये मौका इत्तेहाद का है,
पार्लियामेंट में बैठ के हमें इत्तेहाद की बात करनी चाहिए और आगे चलना चाहिए। मसला ये है जनाब, ये बात इस टाइम नैब के एहतसाब से जो कर रही है, पीटीआई भी खुश नहीं है, अगर नून लीग खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, तो हुकूमत भी खुश नहीं है, हुकूमत भी नैब पर तंकीद कर रही है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद अपने गिरेबान में, मैं जरा ब्रेक ले लूं, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा साहब भी हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, आज जिस धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, धामरा साहब, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, कौमी असम्बली में एहतजाज हो रहा है, सिंध असम्बली में एहतजाज हो रहा है, सिंध हुकूमत ये कहती है कि आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया, इनके घर पर छापा मारा गया, खवातीन से बदतमीजी की गई, दीवारें फैलांग कर अंदर ज़बरदस्ती नैब वाले गए, नैब ने जो भी किया उसे दहशतगर्दी का नाम दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी तरफ जब नैब जवाब देती है, नैब का ये मौकफ सामने आता है कि आप लोगों के तमाम इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, जारहाना प्रोपेगंडा है, नैब की जो कार्रवाइयां हैं कानून के मुताबिक हैं, आइन के मुताबिक हैं, किसी के अहले खाना से बदसलूकी का, बदतमीजी का सोचा भी नहीं जा सकता, क्या कहेंगे आप? देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें पहली बात तो यह है कि पीपुल्स पार्टी जो एहतजाज कर रही है, हमारा एक सिंपल सी सा सवाल है, बात यह है कि एक शख्स को आप जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं और स्पीकर हैं, कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, उनके ऊपर चार्जेस हैं, एक सवालनामा आपने भेजा, उसका जवाब उन्होंने दिया, आप मुतमिन नहीं थे, आप सेकंड कोई सवालनामा भेज सकते हैं जो तरीकाकार है नैब का। वो शख्स जब प्राइवेट टूर पे जाते हैं इस्लामाबाद या पिंडी, वहां से उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, चलो वो शख्स आपको मिल गया, मतलब उस शख्स की गिरफ्तारी के दो घंटे के बाद आप जिस तरीके से नौ घंटों में एक घर की आप तलाशी ले रहे हैं, देखें अगर आप एक्सपर्ट हैं तो नौ घंटों में तो आप 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, मगर जिस घर में मर्द नहीं सिर्फ खवातीन है और आपने गिरफ्तार कर लिया, तो इसका मकसद आपके पास कोई सबूत नहीं था और आपने गिरफ्तारी के बाद जरूरी समझा कि अब उनके घर पे रेड करें कोई सबूत ढूंढने के लिए। जब आपने नौ घंटे लगा दिए, खवातीन को हरासमेंट किया और किसी और खवातीन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ना घर के किसी मर्द को अंदर जाने दिया जा रहा था, उसको भी अंदर जाने देते और जहां पर पार्क के पोर्शन में वो खड़े थे वहां खड़ा कर देने थे, और फिर आगा साहब की बच्ची से जबरदस्ती साइन लेके किसी कागज पे चले जाना, तो मैं ये सवाल क्यों ना करूं कि आपके पास सबूत थे नहीं इसलिए आपने नौ घंटे घर के वो हरासमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, और वो क्या वजह थी कि आपने जिस डॉक्यूमेंट पे उन खवातीन से साइन ले ली, तो ये तो फिर कल कोई भी कहानी बन सकती है, किसी के भी घर में जाए, इस तरह का कोई वाकया नैब के उसमें था नहीं पहले कि आप इस शख्स जो आपको दरकार है उसको गिरफ्तार करो और अगले ही दो घंटे के अंदर नौ नौ घंटे तक आप उसके घर को मुआसरा करें और खवातीन को हरासमेंट करें। लेकिन तो पीपल्स पार्टी हुकूमत पर भी शदीद तंकीद कर रही है, हुकूमत कहती है कि भाई हमारा नैब से तो बात तो बनेगी ना, हुकूमत कहती है भाई हमारा नैब से क्या ताल्लुक है, हमारे तो अपने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को आप भी जानते हैं गिरफ्तार किया गया, तो अगर आप लोगों ने एहतजाज करना नैब के दफ्तर के बाहर एहतजाज जाकर करें, कौमी असेंबली जहां पर आपने लोगों के लिए कानून साजी करनी है, लोगों के मसाइल पर बात करनी है, पाक भारत कशीदगी चल रही है उसका मिलकर सबने जवाब देना है, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है, इसमें जमहूरियत कहां से खतरे में आ गई? हाउस कस्टोडियन ऑफ हाउस अगर गिरफ्तार हो जाए तो उसकी बात कहां करेंगे, ये फोरम अगर वो बात करने के नहीं है तो ये फोरम अवामी होते हैं, और दूसरी बात खवातीन से मुसलसल हरासमेंट हो रही है, मैं तो आपसे तवक्को रखूंगा कि आप आगा साहब की गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी ना कहें, कमेंट्स ना कहें, मगर नौ घंटे खवातीन को हरासमेंट करने पे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी राय क्या होगी, बिल्कुल मैं आपको ये मैं आपको ये बता रही हूं कि नैब सारी बातों को डिनाई कर रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ है, खवातीन के साथ बदतमीजी की गई है, तो हम बिल्कुल इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, लेकिन नैब इन सब चीजों को डिनाई कर रही है। देखें नैब डिनाई कर रही है, मैं नैब की उस बात पे क्यों इतबार करूं जहां पर मीडिया मौजूद था,
9 घंटे लाइव कवरेज हुई है। सोशल मीडिया एक टूल है आपका इंफॉर्मेशन का, वो है। सिंध काबीना सारी वहां पर मौजूद है और वो धरना दिए बैठी है फर्श पे, जमीन पे। एक बहुत बड़ी साजिश थी कि सिंध गवर्नमेंट कोई रिएक्ट करे और उसका बहाना बना के कोई ऐसा और इकदाम किया जाए, मगर सिंध गवर्नमेंट ने तहमुल से काम लिया। और दूसरी बात, जहां तक गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा लेना देना नैब से नहीं, आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एक प्रोफेसर साहब गिरफ्तार होते हैं, उसका रिएक्शन पीटीआई का कोई डिस्ट्रिक्ट का सदर, कोई एमएनए एमपीए वजीर नहीं दे रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करते हैं और नैब पे उंगलियां उठा रहे हैं कि आप इस तरह की कार्रवाइयां नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाज़ों का ये रिमार्क देती है तो कि आपको कोई हक नहीं है आप लोगों की पगड़ियां कार्रवाइयों से तंग। हिलाली साहब, को हरासमेंट किया जाएगा। हिलाली साहब, इसमें आप समझते हैं कि हुकूमत का कोई कसूर है? ओपोजिशन का हुकूमत पर तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना बनता है? हुकूमत तो खुद नैब से तंग है। देखिए जवाब ले लूं, हिलाली साहब से जवाब लेने दें। ये जो नैब के जो पावर्स हैं, पावर ऑफ अरेस्ट, कम से कम लॉ वायलेट अगर हुआ है और उनके पास सबूत हैं, और जब मैंने उनको पूछा कि कौन सा लॉ वायलेट हुआ है और आपके पास सबूत था कि आप जाके उनको अरेस्ट करें, तो उन्होंने कहा गलत तरीके से लोगों को नौकरी दिया है और हमारे पास इसके बारे में पूरा सबूत है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि चलिए मान जाए ना कि नैब के पास ये पावर नहीं है, लेट्स एडमिट इट, लेट्स समझिए कि नहीं है। तो भाई जब आप पावर में थे 5 साल, आपके पास ये एक मौका था कि आप नैब के लॉज को बताएं और ये लॉ को चेंज करते कि जब तक एक कोर्ट आपको इजाजत नहीं देता आप अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए आपके कभी ख्वाब में नहीं था कि ये लॉ आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। सही। अभी भुगतो, अब माफ करिए, भुगतो अभी, इसलिए कि नैब का सिर्फ एक डिफेंस है और बड़ा अच्छा डिफेंस है। उन्होंने कहा ये ले लें हमारे कानून, हमें बताएं कि इस आदमी को पकड़ने में कौन सा कानून है जो हमने वायलेट किया। जनरल साहब, मेरा आपसे एक ही सवाल। जनरल साहब एक मिनट, जनरल साहब, तहरीक इंसाफ भी नैब की कार्रवाइयों से अब तंग नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग तो है ही तंग, तो ये आपस में टीवी टॉक शोज में हुकूमत पर आकर तनकीद करना, पीपल्स पार्टी हुकूमत पर कर रही है, नून लीग कर रही है, तो आप लोग सब लोग मिलकर बैठकर कानून साजी क्यों नहीं कर लेते इस पर? देखें शाजिया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर नैब के कवानीन पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं थे तो इत्तफाक से बैठ के 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं, कंसेंसस से इन चीजों को माजी में ठीक कर लेना चाहिए था, एक बात। लेकिन अगर ये नहीं ठीक हुआ, कोई वजह कोई थी कि लेट से पीपल पार्टी से नून ने तावन नहीं किया या नून से उन्होंने नहीं किया या किसी ने भी नहीं किया और ये आगे कोई वजूहत थी कि नहीं हो सका, तो ठीक है। मैं कहता हूँ नैब की ये पावर है जो वो अप्लाई कर रहे हैं। अभी मेरा जो इतराज है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान स्पेन नहीं है, पाकिस्तान स्विट्जरलैंड भी नहीं है जहाँ एक तरह के, एक कलर के, एक मेक एंड टाइप के लोग हैं। यहाँ 4 सूबे हैं, मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ ज़बानें लोग बोलते हैं, कुछ सूबों की भी एक सेंसिटिविटी है। आपने एक सिटिंग स्पीकर को पकड़ना है तो आपको एक दिन में अचानक तो ये नहीं पता चल गया ना कि 300 बंदों की भर्ती की है। मैंने बारह पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा कि बखुदा कोई करप्ट बंदा कोई मिस गलत करता है तो उसको जरूर कानून के कटारे में तो खड़ा होना चाहिए। लेकिन फिर ये इस्लामाबाद आके तो यहां पहली बात तो यह पकड़ने की क्या जरूरत है, या उधर ही पकड़ लेते या दोबारा वहां चले जाते। चूंकि मैं कल सिंध में था, कराची में हमारी वहां कोई मीटिंग्स थी वाटर की, तो वहां लोग ये कह रहे थे कि जी बात यह है कि आप इस चीज को हवा क्यों देते हैं कि एक बंदा इस्लामाबाद में गया हो तो वहां आपने उसको इधर अरेस्ट करें। एंड सेकंडली, अगर हाउस को सर्च करने की भी आपको ला की इजाजत है तो बेशक करें, लेकिन आपका जो कानून है वो अगर आपको कोई राइट देता है आईन के मुताबिक, तो एक आम शहरी को भी राइट है कि उसके हकूक पे आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते
कि आप फैमिली के मेंबर्स को माबूस कर लें और वो करें, ये इतराजात है। बाकी ये है कि पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट मतलब कि ऑपोजिशन को तरीके कार पे एतराज है, इत्तेसाब का जो अमल हो रहा है उस पर एतराज नहीं है जनरल साहब। उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियन सब की है वो तो है, लेकिन सबसे ज्यादा हुकूमत की है कि आप प्रोवोक ना करें, आप उनके एहतजाज को सुन लें जो कुछ वो कह रहे हैं, और उसके बाद अपनी कार्रवाई को जारी रखें, और ये मौके को भी देखें। यानी इवन नैब के कंधों के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कानून को अप्लाई करें, न छोड़ें करप्ट लोगों को, लेकिन खुदा के लिए ऐसे ना करें जिससे ये लगे कि जो आपका सियासी रस्ते का रोड़ा नजर आता है उसके ऊपर हाथ डाले। अभी तरीके इंसाफ के विंग्स में कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर कितने मुकदमात हैं जो वो सुन भी रहे हैं, कईयों के रेफरेंसेस हैं, तो पकड़े भी जा रहे हैं ना, हम ये नहीं कहते कि उन सबको पकड़ के पकड़े भी जा रहे हैं ना तरीके इंसाफ के। नहीं तो ठीक है, देखे पकड़े उस रफ्तार से नहीं जा रहे जिस रफ्तार से दूसरे लोगों को है। इंसाफ होना चाहिए और होता नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट के माहौल को बेहतर करना मुल्क के मफाद में है, हम सब के मफाद में है, और उसके अंदर जरूर हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन माहौल क्रिएट करना है हुकूमत ने। मियां असलम साहब, क्या ऑपोजिशन का ये एतराज दुरुस्त है कि नैब का जो तरीकेकार है वो ठीक नहीं है? शाजिया देखें, कल हमारी पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज किया गया और बाइकाट किया गया स्पीकर सिंध असेंबली के अरेस्ट करने पर जो नैब ने किया। मैं उनके पास गया, मैं उनको मना के लाया, मैंने कहा आए आप असेंबली में आए, उन्होंने कहा जी हमने इसके ऊपर बात करनी। कल 2 घंटे से ज़्यादा तमाम ने नैब के ऊपर असेंबली में खड़े होकर बात की। हाल दो के कल असेंबली के अंदर हमारा सरकारी बिजनेस भी था, वो भी नहीं हो सका। उन्होंने अपनी तकरीरें की, करने के बाद उन्होंने कोरम की निशानदेही की और निकल गए। यानी कि 2 घंटे असेंबली को यरगमाल बनाए रखा और अपनी तकरीरें करते क्वेश्चन आर के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए वो खुद समझेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली सूबाई असम्बलियों के अंदर तो क्वेश्चन आर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट उन्होंने सिंध असम्बली का इशू पंजाब के अंदर 2 घंटे से 2.5 घंटे सब ने अपने दिल की भड़ास निकाली। जब वहां पर सरकारी बिजनेस आया तो उन्होंने कहा जी हम बाइकाट करके जा रहे हैं, मैं सॉरी कोरम की निशानदेही करके जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये, मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं देखें जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। हमारा सीनियर वजीर जो हम समझते हैं पार्टी के लिए जिसकी बड़ी खदमात है वो पकड़ा गया है और उसके वो अपने केस को भुगत रहे हैं, हम चुप करके, हमने तो उस पर एहतजाज कोई नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि उसने उसी वक्त अपने रिजाइन लिख के तो वजीर आला को भेज दिया कि जनाब आप मेहरबानी करें मेरी वजारत वापस करें, मुझे नैब ने यहां पर रख लिया है, लिहाजा जब मैं अगर नैब मुझे छोड़ती है तो मैं आके आ जाऊंगा साफ सुथरा होके, अदरवाइज मैं केस का सामना कर रहा हूं। सो इखलाकी तौर पर यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का एक शॉट चलाना चाहती हूं जिसमें जंगी वो आज कह रहे थे जितना मर्जी ऑपोजिशन शोर मचा, मैसेज क्या मिलता है? उमर जरा प्लीज प्ले कीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज क्या कहा? करप्शन का जो पूरी एक टोला बना हुआ है जमहूरियत बचाने के नाम पे अपनी सारी चोरी बचाने के चक्कर में है। मैं आज आप सारों को मैं चैलेंज करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, हमने एक एक का इत्तसाब करना है, एक एक का इत्तसाब करना है हमने। हिलाली साहब, एक तरफ हुकूमत कहती है भाई हमारा क्या लेना देना, ये तो सब नैप कर रहा है, हमारा इससे क्या ताल्लुक, हमारे तो बंदे खुद पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की इस तरह की स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो क्या ये ऑपोजिशन को ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि वाकई कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर सब कुछ हो रहा है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लोग मुल्क कह रहे हैं ना, ये एक फेडरेशन नहीं है, ये एक कॉन्फेडरेशन है। ये ऐसा लग रहा है हर आदमी जो कहता है बाहर में जाए, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, मैं तो सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं कि स्पीकर साहब के घर में क्यों दखल हो गए और उनकी बेटी के सामने सिगरेट निकाल के आप पीने लगे, हालांकि बेटी ने कहा कि मत पियो तो आपने उसके मुंह पे। असलम इकबाल साहब, इन चीजों से फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, जब एक तासुर बन चुका है ऑपोजिशन का कि हुकूमत के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, इंतकामिया कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरह की स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए? मुझसे कमेंट लेंगे इस सारे मामले? मैं आपसे बिल्कुल आ रही हूँ, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ, मैं वही बात कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरह के कमेंट देने चाहिए।
देखे शाजिया, बात यह है, हमने पहले दिन से एक बात की है कि हमने अपने अदारों को मजबूत करना है। जो अदारों के अभी जो कानून बने हुए हैं, नैब का कानून जिस तरह आगे भी यहाँ पर बड़ी ओपन डिस्कशन हुई है, उस कानून को पीटीआई ने नहीं बनाया, उस कानून को इन पार्टियों ने मिलकर बनाया हुआ है। अगर ये पीछे मेजोरिटी में और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में थे तो उसको चेंज कर लेते। अब एक अदारा अगर काम कर रहा है और उस अदारे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे सब कुछ हो रहा है, ये तासुर आप लोगों की तरफ से जा रहा है, मिनिस्टर्स की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जा रहा है। आप नहीं, अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो आप मुझे बात बताएं। अगर मैं आम पुलिस की बात कर रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहे, छोड़ दे उसको? अगर किसी ने चोरी की है, अगर किसी ने कौम का पैसा खाया है तो प्राइम मिनिस्टर कहे कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इस मुल्क का, आप मेहरबानी करें अपने कानून तो साइड पर रखें और मेरे लफ्जों को कानून समझें और इनको छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। अदारों के पीछे जो होते हैं फिर हुकुमरान खड़े होते हैं उनकी आजादी के लिए, उनकी मजबूती के लिए। हाँ, आप उसके तरीकाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके मामला से कर सकते हैं। जी धामरा साहब, जी धामरा साहब जी, आपने भी बड़ी जबरदस्त अंदाज में दो सवाल करके बात को सामने कर दिया कि बिल्ली थैली से बाहर आ गई। देखिए ये हुकूमत की पॉलिसी है, जो एक तासुर था मैंने वो बनाया, मुझे पार्टी ने कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बोलते हैं ना कभी कभी कि सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है पीपुल्स पार्टी, तो ये जो पीटीआई एहतसाब कार्ड इस्तेमाल करती है ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और सारी पीटीआई कह रही है कि एहतसाब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी तरफ कहती है हम तो छोड़ेंगे नहीं जी, हम तो सबको पकड़ेंगे। तो भाई आप बताएं कि ये कौन पकड़ रहा है? अगर पकड़ रहा है तो किसके कहने पे पकड़ रहा है? ये तो कम से कम आप साफ साफ बात बता देना कि किसके, ये तो आप चार दिन पहले आप प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट निकालें, एक प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी पे किस तरह उन्होंने इरिटेशन का मुजहरा किया है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर ये नैप नहीं आता, बाकी साहिवाल वाके पे डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व है, उस पर इंसाफ दिला दें, किसने मना किया आपको? और दूसरी बात कि आपने स्पीकर के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने गैर कानूनी नौकरी दी, उसको तो आपने पकड़ लिया, क्या उनकी खवातीन ने भी वो नौकरियां दी, वो भी शरीक मुल्ज़िम है, उन्होंने क्या कसूर किया था? और मुझे हैरत होती है हिलाली साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद मुझे जनरल साहब के पास जाना है, बात नहीं है कि सिगरेट पी के उस बच्ची के मुंह में धुआं फेंक दें, वो तोहीन करें, आप उसकी मुज़म्मत भी ना करें, आप उसको इंडोर्स करें। धामरा साहब मतलब उसके इंडोर्स करने मुझे लगता है धामरा साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, कि वो सिगरेट पी के किस बच्ची के मुंह में धुआं फेंक दे। जनरल साहब जो कह रही है कि मुझे एलर्जी है, जनरल साहब अगर पीपल्स पार्टी सड़कों पर आती है जिस तरह सरदारी साहब ने कहा, मौलाना साहब आप कदम बढ़ाएं हम आपके साथ आगे होंगे, क्या नॉन लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी? एतराज तो आप लोगों पर भी है नैब की कार्रवाइयों पर। देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो हर उस एक्टिविटी में शामिल हो सकती है जो आईनी और कानूनी होगी। अगर आपको अपना इजहार करना है और या एहतजाज करना है तो जो कानून इजाजत देता है वो तो हर पार्टी का राइट है। मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो क्लिप आपने इमरान खान साहब का दिखाया, यही मैं सुन के तो मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई जेन्युइनली भी करप्ट है और उसके ऊपर केस भी बड़ा वाजिब और ठीक है ना, तो जब आप एक पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी के अंदर एक पर्सन नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हु हैज टू एंश्योर जस्टिस विद टू एवरीबॉडी, नॉट तारीख इंसाफ ओनली एवरीबॉडी, वो जब ये स्टेट देता है तो और पोलराइज होती है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, हुकूमत को भी छोड़ दे, अभी ये नैब वाले भी जो लोग हैं ये कोई इसराइल के लोग तो नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं, उनके ऊपर एक जस्टिस साहब बैठे हैं, क्या उनको ये नहीं पता ये जो जफर अलाली साहब ने बात की है कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं? इस वक्त एक यूनिटी का माहौल है, आप जब एक सिटिंग स्पीकर को ऊपर जाके हाथ डालते हैं और फिर उसके घर में भी हमला कर देते हैं तो क्या आप मुल्क से हमदर्दी कर रहे हैं? क्या आप इस चीज को 7 दिन पीछे 10 दिन आगे डिले कर देते? क्या उनको रियलाइज नहीं? जी देखिए आप, ये कोई इसका कत्ल का केस नहीं है कि कल हुआ है तो आज आपने अरेस्ट करना है बंदे को, आपके अंदर भी तो कोई एहसास जिम्मेदारी हो तो लेट अस से हुकूमत नहीं उनको कुछ कह रही। मैं अपील करूंगा नैब के भी जस्टिस साहब को कि तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफिज़।